इन्हीं पत्थरबाजों को और उनके बचाव में आप जैसे लोग हमेशा आवाज बुलंद करते रहते। मेरा सवाल आपसे यह है कि छोड़िए, हम मान लेते हैं कि आपको 22 साल के तिरुमणि की जान की जरा सा भी परवाह नहीं है, लेकिन इस बार तो रोजी रोटी पर पत्थर चले हैं। अगर पर्यटन ही खत्म हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य रह जाएगा? क्यों ना इन पत्थरबाजों को हम आतंकी कहें, ऐसे आतंकी जिनका बचाव आप जैसे लोग करते हैं। मैडम, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने भी पिलाया पानी मुझे। हमारी जमीन के पत्थर मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमान को नहीं मारते। अगर ये मेहमान मारा गया है तो इसमें एक साजिश है, और वो साजिश किसकी होगी? आपने सही कहा, जो टूरिज्म का यहाँ खत्म करना चाहता है, और वो खत्म करने वाला दुश्मन स्वयं वहीं पैनल पे बैठा है, आरएसएस का आदमी। संबित पात्रा जी से पूछे कि ये हमला कैसे हुआ, आपकी हुकूमत कहाँ थी उस वक्त जब ये बेचारा हमारा भाई जो चेन्नई से आया था ये मारा गया? क्यों इनकी पीडीपी बीजेपी हुकूमत ने उस हमारे टूरिस्ट को उस रास्ते पे जाने दिया जहाँ पे खतरा था? बंद का ऐलान किसने किया था? इसमें आप तो हमारे बच्चों का हर दिन कत्ल कर रहे हैं। एक दिन पहले ही आपने दो दिन का टू डे वन मिलिटेंट प्रोफेसर मोहम्मद बच्चे हैं, ये गुनाहगार और ये आतंकी, ये कातिल, ये आपके बच्चे हैं। संबित पात्रा जवाब दीजिए, ये आपके बच्चे हैं, ये कातिल, ये गुनाहगार, ये खूनी, खेल खेलने वाले। संबित पात्रा, पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया जी, दिखा दी भारत के नारियों सर, आपकी साजिश है कह रहे हैं वो। अंजना जी, जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। नहीं, मेरा दिल ये कहता है, गिर सकता है अंजना जी, बेशर्मी में इंसान कहां तक गिर सकता है उसका उदाहरण अभी इस डिबेट में आपको दिख रहा है। जिस बेरहमी के साथ एक टूरिस्ट को मार दिया गया, जब इनसे पूछा जा रहा है किसने मारा, तो ये आरएसएस का नाम ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान से आए पैसे से इसका घर चलता है, इसलिए ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता है। इसलिए बाकी सबका नाम लेगा, पाकिस्तान का नाम या जो रेडिकलाइज्ड आतंकवादी है। मैं इन पत्थरबाजों को पत्थरबाज नहीं कहता, इनको बिल्कुल आर्मी के बैठ जाओ, लोग मार लिए इसी साल में कश्मीर में 111 लोग। अंजना जी, इस पाकिस्तानी एजेंट के आवाज को जरा कम कर, पाकिस्तान खाते देश का है, ये गद्दार है, दाते पाकिस्तान का है, खाते हिंदुस्तान का। बैठ जाओ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ पाकिस्तानी है, यहाँ मत चिल्लाओ। अरे बेशरम इंसान, अरे आतंकवादियों, बेशरम इंसान, आतंकवादियों का साथ देते हो, पाकिस्तानियों का राग लाते हो, शर्म नहीं आती है? हिंदुस्तान का खाना खाते हो, गाना पाकिस्तान का गाते हो, शर्म नहीं आती है बेशरम इंसान? एक व्यक्ति यहाँ मर गया है, एक सेकंड के लिए रोष व्यक्त नहीं कर पाते हो? बेशर्मी से पाकिस्तान का, बेशर्मी से पाकिस्तान के साथ खड़े हो, बैठ जाओ। आप लोग बीजेपी वाले पाकिस्तानी दलाल, एक सेकंड, बहुत 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 संजीद, एक सेकंड, इस विषय को बड़े संजीदगी के साथ रख रहा है। मैं कहूंगा कि इस प्रकार चिल्ला चोट से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो और माजिद हैदरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड मुझे आने दीजिए, बहस में आवाज नीचे कीजिए सबकी। माजिद हैदरी, इरामुन नबी, मुझे आशंका है इस बात की कि आप लोग चाहेंगे कि लगातार बोलते रहें, लेकिन बहस में आने के कुछ नियम कुछ कायदे होते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था और अगर हैदरी साहब आपको याद हो, किसी ने बीच में नहीं बोला था। अरे थोड़ी सी तहजीब टीवी पर तो कम से कम दिखा दीजिए, पूरा देश आपको देख रहा है, क्या सोचेंगे लोग? वैसे ही आपकी बात से आपको आंक रहे होंगे, थोड़ा सा सर पेशेंस रखिए, वन एट अ टाइम। जिससे पूछ फिर लगातार बोल रहे हैं, फिर लगातार बोल रहे हैं। अरे बंद का आह्वान किसने किया था? लाइए उनको मेरे साथ। बंद का आह्वान किसने किया था? माजिद हैदरी, बंद का आह्वान किसने किया था? पत्थरबाजी कौन करवा रहा है? पाकिस्तान का राग लाते हैं, डर लगता है क्या? मीरवाइज उमर फारूक और गिलानी का नाम लेने में डर लगता है? गिलानी का नाम लेने में डर लगता है क्या? गिलानी का नाम लेने में डर लगता है क्या आपको? मीरवाइज उमर फारूक और गिलानी का नाम लेने में डर लगता है क्या? बात को पूरी कर, बच्चों को मारना छोड़ दीजिए, खुद आर्मी गद्दार, आवाज नीचे कीजिए, बात नहीं सुन रहे, आवाज नीचे कीजिए, चिल्लाना बंद कर दो, बैठ जाओ। संबित पात्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। अंजना जी, बहुत दुख होता है,
अंजना जी, मैं आपके एक बात से बिल्कुल सहमत हूं और आज आपके चैनल पे बताता हूं, जो आर्मी के चीफ ने चंद महीनों पहले कहा था कि ये पत्थरबाज नहीं, वी हैव टू ट्रीट दिस स्टोन पेल्टर्स एज ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट, ये ओवरग्राउंड टेररिस्ट है और उनके साथ उसी प्रकार डील करना पड़ेगा, किसी प्रकार की रियायत ना तो इन पत्थरबाजों को और इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले जो आपके टीवी चैनल पे भी बैठे हुए हैं, मैं तीन ऐसे आइडियोलॉजी के लोगों को देख पा रहा हूं और मैं खुल के कह रहा हूं इन गद्दारों के साथ किसी प्रकार की रियायती नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा इन गद्दारों को बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा। जिस प्रकार से हमने आतंकवादियों को धराशायी किया, यहां बैठा भी एक पैनलिस्ट कह रहा था प्रोफेसर को मार दिया, ये प्रोफेसर नहीं वो आतंकवादी था जिसको मारा गया है। शबनम लोन जी, आप लोग अगर उसका समर्थन करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ भी हम आंदोलन छेड़ेंगे।